एक महापुरुष की छवि का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज, इनका परिचय हम अपने शब्दों में अपनी वाणी में क्या दें। ये किस स्वरूप में थे और क्या थे इसको तो भगवान ही जान सकते हैं, हमारे जैसे अल्पज्ञ जीव की सामर्थ्य नहीं है। पर जहां तक हमको संक्षिप्त जानकारी है वह इस प्रकार की है कि जौनपुर, ये वाराणसी के निकट ही है, अयोध्या वाराणसी के निकट ही जौनपुर जिला, जिला जौनपुर में एक पवित्र विप्र कुल में आपका जन्म हुआ था और घर से भी पढ़े लिखे थे, क्योंकि घर में इनकी पढ़ाई लिखाई घर से ही बहुत अच्छी थी। पर शायद उस समय संस्कृत आदि उतना अधिक न पढ़े होंगे, लौकिक पढ़ाई ही पढ़ी थी। वैराग्य हुआ तो गृह त्याग करके आप निकले और जब तक जीवित रहे तब तक कभी अपनी वाणी से उन्होंने जौनपुर का नाम तक नहीं लिया, ऐसा वैराग्य। ना अपने रक्त संबंध का कहीं कोई परिचय दिया, न संपर्क जीवन पर्यंत जोड़ा, ऐसे वैराग्यवान। गोस्वामी तुलसीदास जी की, गोस्वामी जी की ग्रंथावली की आप पर ऐसी अनुपम कृपा हुई कि संत जब श्रवण करते थे उनकी वाणी से तो संत इतने भावुक होते थे, उनको लगता था कहीं तुलसीदास जी स्वयं तो नहीं आ गए हैं, अपने 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 ग्रंथों के मर्म को समझाने के लिए कहीं गोस्वामी जी स्वयं तो इस रूप में नहीं आ गए। आपने रामचरितमानस के 108 एकाह किए थे, एक आसन से बैठते एक दिन में ही मानस जी का संपूर्ण पाठ पूर्ण करते, 108 दिन। और 108 एकाह कोई निष्ठा से एक आसन से कर ले तो ये संतों का अनुभव है, ये प्रतिज्ञा पूर्वक कहा जा सकता है से ये बात कि विधि पूर्वक नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक 108 दिन में 108 पारायण मानस जी के कर ले, उसके सामने साक्षात श्री सीताराम जी प्रकट होकर दर्शन दे दें। आपने उसी निष्ठा से किया था, इससे यह विश्वास है कि आपको श्री सीताराम जी का अनुभव हुआ था। आप पहले कथा नहीं कहते थे, सर्वप्रथम चित्रकूट निवासी परम सिद्ध संत सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने आपसे आग्रह किया कि आप संतों को कथा सुनाएं। तब आपने एक आसन से 7.5 वर्ष तक अयोध्या श्री चित्रकूट में रघुवीर मंदिर में पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज की सन्निधि में राम कथा कही। वो तो कहीं कहीं चले भी जाते थे बीच बीच में, अधिक समय रामायण जी की कथा तक वो वहां रहे, पर बीच बीच में कहीं चले जाते थे। कुंभ आया तो बोले कुंभ में तो हमको जाना पड़ेगा, रामायण जी कैसे होगा, आप कुंभ में चलो। आपने कहा कि नहीं, हमने ग्रंथ आरंभ किया है तो हम यहीं पूर्ण करेंगे, तब कहीं जाने की सोचेंगे, और जाएंगे तो फिर लौट के आएंगे नहीं। नहीं गए, सब चले गए, आप नहीं गए। बड़े बड़े आग्रह आए रणछोड़ दास जी महाराज की तरफ से ही, बंबई चलो, वहां चलो, वहां चलो। आपने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कह दिया कि शरीर की अत्यंत आवश्यकता अन्न वस्त्र होती है और आपकी कृपा से हमको एक समय प्रेम से भिक्षा मिल जाती है और शरीर भी नंगा उघारा नहीं है, कपड़ा भी है, तो अब हमें आवश्यकता क्या है बंबई कलकत्ता जाने की।
इसलिए आप तो हमें आशीर्वाद दें कि हम ऐसे ही यहीं अपना नियम करते। कुंभ में भी नहीं गए, रणछोड़दास जी महाराज के कहने पर लंबे समय तक चित्रकूट में निवास किया, इसलिए आपके नाम के पीछे चित्रकूटी यह शब्द लगा। जिस समय रामायण जी चित्रकूट में विराजते थे, उसी समय हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से उनकी घनिष्ठ मित्रता हो चुकी थी, प्रेम हो चुका था। महाराज जी के विशेष आग्रह पर वे वृंदावन आए, श्री सुदामा कुटी में उन्होंने अपना आसन लगाया और सुदामा कुटी में ही ऐसे ही 7.5 वर्ष तक लगातार रामचरितमानस की कथा कही। 7.5 वर्ष में रामचरितमानस को आपने पूर्ण किया। श्री सुदामा दास जी महाराज सिद्ध संत थे, पूरे भारत में संत सेवा में नाम है उनका। और श्री सुदामा दास जी महाराज जब तक रामायण जी कथा कहते थे, सुदामा दास जी महाराज अपने हाथ में पंखा लेकर पंखा झलते थे। भक्तमाल जी का टीका और व्याख्यान पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, इन दोनों के माध्यम से ही पूरे आस्तिक जगत को भक्तमाल जैसा ग्रंथ का बृहद भाष्य 4 खंडों में जो सुदामा कुटी से प्रकाशित है, इन 2 युगल महापुरुषों के अनुग्रह से ही प्राप्त हुआ है। कथाएं आज भी होती हैं, उन जमानों में, उस जमाने में प्रचार के साधन नहीं थे, टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, प्रचार के इतने अच्छे साधन नहीं थे। शनिवार रविवार आगरा से, अलीगढ़ से और दिल्ली से लोग कथा सुनने आते थे। बिहारी जी का दर्शन नहीं करें पर रामायण जी की कथा सुनकर सीधे घर वापस चले जाते थे। वृंदावन के बड़े बड़े गोस्वामी वृंद, जिनकी मर्यादा बिना बुलाए कहीं जाते नहीं, कथा सुनने वाले जगह में फिर बैठने को जगह नहीं मिलेगी, इसलिए पहले आकर के बड़े बड़े आचार्य बैठ जाते थे। वृंदावन के बड़े बड़े वक्ता आकर के बैठते थे रामायण जी की कथा में। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि रामायण जी जब बोलते थे तो लगता था क्या गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं बोल रहे हैं क्या। यहां भी रहे तो समस्त प्रलोभनों से मुक्त रहे, विरक्त भाव से रहे, और जब मन किया तब उठ करके चल भी दिए। अज्ञातवास में तो जीवन में कई बार गए। मेधा इतनी तेज थी, विद्यार्थियों सुनो ध्यान से, बटुक ब्रह्मचारियों, छोटे छोटे बच्चे इनको पता नहीं क्यों नहीं याद होता इतना, फिर भी याद करते हैं, अच्छी बात है। रामायण जी की तो काफी आयु हो चुकी थी, महाराज जी से बोले कि हमने व्याकरण नहीं पढ़ा है, एक कमी रह गई। तो महाराज जी बोले आप तो बहुत मेधावी, आपको तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग सुनकर आश्चर्य करेंगे, किसी भी विषय को एक दो बार वो देख लेते थे, उनको कंठस्थ हो जाता था बड़ी उम्र में भी। और महाराज जी ने उनको लघु सिद्धांत थोड़ी सी पढ़ाई, और इसके बाद महाराज जी कहते उनकी मेधा देखकर लघु सिद्धांत का पाठ बंद कर दिया, सीधे सिद्धांत का पाठ शुरू किया। बोले इनकी मेधा इतनी अधिक है कि लघु सिद्धांत में इनको अटका के रखना ठीक नहीं। और महाराज जी में पूर्ण गुरुभाव, पूरे जीवन पर्यंत महाराज जी में गुरुभाव रखा उन्होंने। कभी रिक्शा में बैठने का अवसर आता तो पहले से जल्दी चढ़ के रिक्शा में बाईं तरफ बैठ जाते, फिर कहते कि मैं अशिष्टता कर रहा हूं कि पहले बैठ गए आपके पहले, लेकिन कहीं आप मेरी बाईं तरफ न बैठ जाएं, इसके लिए मुझे पहले बैठ जाना पड़ा। अपने गुरुजनों को दाहिने रखना चाहिए, बाईं तरफ नहीं। महाराज जी के साथ चलते परिक्रमा में तो महाराज जी की छाया पर पैर न पड़ जाए, इतनी सावधानी लेकर के चलते थे रामायण जी।
और जब महाराज जी का स्मृत ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो मैंने महाराज रामायणी जी से कहा कि आप तो महाराज जी के अभिन्न हैं, आप महाराज जी की कोई एक संस्मरण लिखिए। उनका लेख भी है रामायणी जी का। रामायणी जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा तो जीवन में पता नहीं कितनी आई, पर सुदामा कुटी में थे, शरद पूर्णिमा को बिहारी जी का दर्शन करके शयन आरती करा के आए। रात्रि को 11-12 बजे होते शयन आरती शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो यहाँ देखा तो महाराज जी सुदामा कुटी की छत पर तुलसी के गमला और कुछ एकाध कुछ मोगरा और पुष्प की एकाध कोई गमले रख करके, अब बीच में सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा बिछा के ठाकुर जी को विराजमान करके, गिरिराज जी, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल यही स्वरूप थे, उनको विराजमान चित्रपट उनको रख के महाराज जी बैठे थे। तो हमने कहा महाराज जी अभी इतनी रात को? बोले हाँ हाँ अब आप आए हैं ना तब रात शुरू होगा अब। तो बोले क्या कहते, आप बैठिए बीच में, रास हो रहा है दर्शन कीजिए और हम सुनेंगे और आप सुनाइए, पूरी रास पंचाध्यायी का पाठ कीजिए। तो कहते मैं पाठ करने लग गया, महाराज जी सुन रहे थे, मैं उच्चारण कर रहा था। अब पहले पहले तो हमारे मन में कि महाराज जी भी क्या क्या लीला करते हैं, दो चार गमला रख लिए और सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया, बोले रास हो रहा है। कहते जीवन में कितनी शरद पूर्णिमाएँ आईं, लेकिन जब बैठ करके हमने रास पंचाध्यायी का पारायण शुरू किया, सारा दृश्य तिरोहित हो गया और संपूर्ण रास प्रकाशित हो गया, प्रकट हो गया। तो समझ में आई है बाबा सरकार की कृपा। महाराज जी रामायणी जी यदि जैसे हम लोग कथा बांचते यहां से वहां वहां से वहां कहते हैं, ऐसी कथा कहते होते तो उनके जैसा रामचरितमानस का वक्ता पूरे भारतवर्ष में वही थे, दूसरा कोई नहीं था। राधा सुधा नदी जी पर प्रवचन करते थे तो उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। भागवत पर कोई विशेष गंभीर किसी रहस्य पर वक्तव्य देते थे, उनके जैसा कोई भागवत का मर्मज्ञ नहीं था। हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी, हम उनसे पढ़े तो नहीं पर उनकी कथा हमने अवश्य सुनी, तो हम गुरु भाव से उनका आदर करते हैं। हमारे महाराज जी उनको अपना मित्र मानते थे, वो महाराज जी को गुरु मानते थे, लेकिन इस नाते से हम उनको महाराज जी के स्वरूप में ही अनुभव करते हैं। उस जमाने में महाराज जी अमेरिका में उनको बुलाया बहुत आग्रह पूर्वक, श्री सुदामा दास जी महाराज भी तैयार थे कि हाँ चले जाएं कोई बात, वो गए नहीं, कहीं नहीं, बोले हम दिल्ली नहीं जाते हैं, अमेरिका क्या जाएंगे। न तो लोकेशना थी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा की कामना, ना ही वित्तेषणा थी, ना ही शिष्येषणा थी, एक भी विरक्त शिष्य नहीं बनाए अपने पूरे जीवन में। और एक बार हमसे बोले कि लोग कहते हैं कि साधुओं को भी निर्वंश नहीं मरना चाहिए, कोई न कोई एक तो विरक्त चेला होना चाहिए। तो बोले हमारा तो तुमको ही हम अपना मान लिए हैं, उसी से हमारा काम चल जाएगा, हंसते हंसते कहा था उन्होंने। तो उनकी वाणी से निकला कि तुमको मान लिया है तो हम तो मानते ही हैं, उन्होंने मान लिया तो दोनों तरफ से स्वीकृति हो गई, इसलिए हम उनका निरंतर स्मरण करते हैं, लेकिन समय समय पर कोई तिथि पर्व आता है तो उनका हम मंगलमय स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। संतों का गुरुजनों का ऋण कभी चुक नहीं सकता और ऋण चुकाने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए, इनके तो सदा कर्जदार बनकर ही रहना चाहिए। आपने एक कुटिया बनाई थी गोवर्धन में अपने मानसी गंगा पर, हाथी दरवाजा पर, श्री रामायणी कुटी, आग्रह पूर्वक उन्होंने वो हमको दिया। हम मना कर देते तो एक बार थोड़े रुष्ट होकर बोले तकिया कलाम बना रखा है, जो आ गया
और आज्ञा देते हैं तो फिर चतुराई दिखाते हो। स्वीकार क्यों नहीं करते हो? स्वीकार किया, उनकी आज्ञा से स्वीकार किया। बोले पर ये मेरा उत्तराधिकार नहीं है, ईंट पत्थर मेरा उत्तराधिकार नहीं है। तो बोले असली उत्तराधिकारी पीछे बनाऊंगा। तो एक बार मलुक पीठ पधारे और अपने हाथ से लिखी हुई संपूर्ण भक्तमाल मूल छप्पे कवित और अपने हाथ से लिखी हुई संपूर्ण विनय पत्रिका, अपने करकमल से लिखी हुई, ये बोले ये मेरी संपत्ति है और ये निधि है, ये हम तुम्हें प्रदान करते हैं, आज भी हमारे पास सुरक्षित है। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने उसकी सुंदर रजत की पेटिका बनवा दी। बोले ऐसे नहीं रखना इनको, इतने बड़े महापुरुष ने दिया है तो वो तो अपने ढंग के, उन्होंने बढ़िया से उसका एक रजत पेटिका बना करके उसमें उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। भरत चरित्र में जो विशिष्ट भाव हैं हम उन्हीं के स्मरण करते हैं। जन्माष्टमी की तिथि पर वे मथुरा में ही थे, तनिक अस्वस्थ थे। 12 बजे, और आश्चर्य की बात है महाराज जी, कृष्ण जन्मभूमि के क्षेत्र में ही थे, उसी मोहल्ले में थे। माने कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और बिल्कुल आप जिस भक्त के यहाँ रुके थे वो बिल्कुल पास में ही घर था। ठाकुर जी के घर में जन्म की आरती हो गई, इसके बाद आप बोले कि अब ठाकुर जी के जन्म की आरती हो गई, पंचामृत ले लिया है, अब हम चलते हैं, और आपने अपने देह का विसर्जन किया। आज की तिथि को ही संतों का जैसा संस्कार होता है उसी पद्धति से उनका अंतिम संस्कार हुआ। यमुना जी की प्राप्ति उनको हुई और आज उनका यह दिवस है। तो झरा भंडारा तो वृंदावन में हो चुका है रामायणी जी की स्मृति में, पिछली वर्ष पूरे वृंदावन के हरिहर, हरिहर माने सर्वेश, सन्यासी वैष्णव उदासीन सभी संप्रदाय के संत सब ने आकर के प्रसाद पाया। इस बार मन में आया महाराज जी हमारे कि यहाँ गो तीर्थ में बैठे गो माताओं का भंडारा होना चाहिए। तो मैंने विठल जी से कहा कि सब गायों को खूब हरा मिल जाए ऐसा बताओ, तो उन्होंने बताया कि इतना लगेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मन में आया कि भाई गायों को तो हरा मिले और फिर साधु ब्राह्मणों को नहीं मिले, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर हमने कहा कि दोनों ही होना चाहिए, संतों का ब्राह्मणों का भी, सेवा तो अपने करने लायक ही नहीं है, क्या सेवा कर सकते हैं है? पर हमारे यहाँ तो साधुओं में दाल बन रही थी उसमें 2 रुपया की का रामरस गेर दिया तो उसी में भंडारा हो गया, ऐसा समझो। तो दाल में रामरस के जैसी सेवा है, कोई बड़ी सेवा नहीं है। आज उनका पावन दिवस है, उनका भगवत धाम प्रयाण का दिवस है, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।